एमपी गजब है, सबसे अजब है। अब भी सरकारी विभागों में यह बात सच साबित होती नजर आ रही है। जनपद पंचायत सांची के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोहा में रहने वाले एक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद संबल योजना के तहत 2,05,000 रुपए का चेक से लाभ प्रदान किया गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पंचायत सचिव रिश्वत में मोटी रकम मांग रहा था, जो यह परिवार देने को तैयार नहीं था। इसके कारण उनके खाते से रुपए वापस करा दिए गए। सर, मेरी सास के पैसे राशि निकल गई है सेंट्रल बैंक सांची से। अच्छा। सलामत पुर थाने में भी रिपोर्ट करी सर। जी जी, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं। हरिजन कल्याण थाने गए, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उन लोगों ने बोले आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाइए, जो भी कुछ करना कर लीजिए, कोई शिकायत नहीं होगी आपकी। अच्छा, तो मामला क्या था ये? सर जी, मेरी सास के लिए विधवा राशि मिली थी 2,05,000 रुपए की। अच्छा जी जी, फिर? सर जी, 2,05,000 की राशि मिली थी सर। इन लोगों ने बोला सेक्रेट सचिव ने के थोड़ा बहुत खर्चा कर देना, हम की सर कर देंगे। अब ये 40,50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे सर। 40,50,000 रुपए हम कैसे दे सकते हैं? 5-10,000 रुपए की बात थी सर। तो सर इन लोगों ने, हमने नहीं दिए पैसे इनके लिए। तो पैसे नहीं दिए तो इन महीने दो महीने के बाद में सर इनने क्या करा कि घर आकर देखा कि कोई नहीं है, पर इनने पूरे कागज पे और एक पासबुक ले ली, कहला हम इन्हें आपके लिए और लाभ दिलाना चाहते हैं। तो इन्हें साइन कर दिए, उसमें जब साइन कर दिए तो फिर इनके लिए ऐसा लगा कि अब अपने पैसे की जरूरत है। तो सर बैंक गए तो उसमें देखे, बैंक वालों ने बोला कि यहाँ तो आपकी राशि निकल चुकी है पूरी एकदम 1,90,000 रुपए। जानकारी के अनुसार दरअसल ग्राम खोआ में रहने वाले गरीब परिवार के मुखिया अमर सिंह की हार्ट अटैक से 4 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। उस समय पंचायत सचिव और सहायक सचिव ने लालच में आकर उनका पंजीयन कर मंत्री के हाथों चेक प्रदान करा दिया। जब चेक की राशि खाते में आई तो सचिव और सहायक सचिव ने परिवार से रिश्वत के रुपए मांगे, लेकिन जब परिवार के सदस्य ने इसका विरोध किया तो उन्हें इस योजना में अपात्र घोषित कराकर खाते में आई राशि विभाग को वापस करा दी गई। इस मामले में जब हमने ग्राम पंचायत सरपंच बात की तो यहां एक और बड़ा खुलासा हुआ। पंचायती राज व्यवस्था में सरकारें लाख दावे कर ले, लेकिन महिलाओं के अधिकार कितने कारगर हैं यहां साबित हो रहे हैं। इसका भी यहां ताजा उदाहरण देखने को मिला। इस मामले में गांव के सरपंच श्याम भाई को कोई जानकारी तक नहीं। उसका कहना है कि गांव के सचिव, सहायक सचिव और जनपद कार्यालय केवल उनके नाम का प्रयोग करते हैं, उनसे किसी प्रकार के काम के बारे में जानकारी तक नहीं दी जाती। किसने बनाया दूसरा कार्ड? बोबिन नहीं बना। कौन? संजीव सचिव, दोनों सहायक सचिव और सचिव ने। आप लोगों से कुछ नहीं पूछते? कुछ नहीं पूछे, मैं तो उनके सामने कह दूँ। मतलब आप महिला सरपंच हो, आपके अधिकारों को कुछ उसका उपयोग नहीं करने दे रहे? नहीं, वे नहीं करन दे रहे, वे सब मिली जुली सरकार है। अपात्र की श्रेणी में वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनका मृत्यु उपरांत उनका पंजीयन किया गया। तो पहले उनका पंजीयन नहीं करा जब मृत्यु हुई थी? नहीं, पहले उनका पंजीयन नहीं था, बाद में ही उनका पंजीयन हुआ। पंजीयन कैसे हुआ इसकी भी विधिवत जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा इनका पंजीयन भी नहीं किया गया है। मंत्री द्वारा चेक वितरण कैसे कर दिया गया उनको? नहीं, जांच अथॉरिटी तो जनपद पंचायत है। उस टाइम आनंद फानंद में मंत्री जी का प्रोग्राम था, उसी के तारतम्य में वहाँ से जनपद द्वारा वो जारी कर दिया। क्या ये पूरा मतलब ये कार्यक्रम के ये हुआ है, ये पूरा सीओ के हैंडओवर होकर हुआ है ये काम? हाँ, ये जनपद पंचायत द्वारा ही इनकी राशि रिलीज भी की गई थी, चेक भी जनपद पंचायत द्वारा दिया गया था और राशि वापसी की कार्यवाही जनपद पंचायत द्वारा ही हुई है। ग्लोबल हेराल्ड के लिए रायसेन से तलक शाक्या की रिपोर्ट।